फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्किन ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स की ड्रीम होती है, बट एक्ने पिंपल्स की वजह से हमारी स्किन में बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम पिंपल को पॉप करते हैं तो वो हमारी स्किन पे एक डार्क स्पॉट छोड़ जाता है, और उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑड लगती है, क्लियर नहीं हो पाती, ग्लोइंग नहीं हो पाती, हमारी स्किन बहुत ख़राब सा लगने लगता है, एकदम फ्लॉलेस नहीं दिखता। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे फेस पे जो फेसियल हेयर होते हैं हम उसे रिमूव नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा फेस बहुत भरा भरा लगता है और फ्लॉलेस नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी हम अपने स्किन पे हमारी हेयर होती है उसे हम रिमूव ना करें, उसे हटाएं ना, तो क्या होता है जो भी हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, वो हेयर में भी अटक के यहाँ वहाँ पोर्स में चला जाता है, बस अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, जिससे हमें उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। सो इसलिए सबसे पहले हमें अपने पिंपल्स के डार्क स्पॉट को हटाना है, रिमूव करना है, फेशियल हेयर रिमूव करना है, एंड देन उसके बाद जो प्रॉब्लम है फ्लॉलेस स्किन के लिए वो प्रोसेस हमें अपना। मैं जो शेयर करने वाली फेस पैक उसमें बहुत सारी सिंपल्स इंग्रेडिएंट लूँगी मैं। सबसे पहले मैं लूँगी ऑरेंज पील पाउडर, और इस पील पाउडर में वो सारे के सारे गुण मिलते हैं जो आप विटामिन सी सीरम में ढूंढते हैं और आपको मिलते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आपकी स्किन में जो डार्क स्पॉट है उसे रिमूव कर देता है, स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर बना देता है। इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इसमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर, अगर मुल्तानी मिट्टी आपको सूट नहीं करता तो यहाँ पे आप ग्राम फ्लोर ले सकते हो, अगर ग्राम फ्लोर भी आपको सूट नहीं करता तो आप विट फ्लोर ले सकते हो, ये तीनों एक ही काम करते हैं आपकी स्किन पे, एकदम स्किन को क्लियर बना देती है, स्किन पे जो भी दाग धब्बे होते हैं उसे रिमूव करने के साथ साथ स्किन को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन सॉफ्ट ना हो तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, अगर आपकी स्किन सॉफ्ट हो, बेबी स्किन बन जाती है, तो वो बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। एंड इसके बाद जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है 1 पिंच ऑफ टर्मरिक, किचन टर्मरिक लिया है, किचन हल्दी लिया है, इसलिए मैंने 1 पिंच डाला है, बिकॉज किचन हल्दी में जो उसमें रंग होता है और वो जो रंग होता है वो हमारे स्किन पे भी छोड़ देता है, जिससे हमारे स्किन में पीला पीला हो जाता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। और अगर आप कस्तूरी हल्दी लेते हो तो वो आप हाफ टेबल स्पून ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आप किचन हल्दी ले रहे हो तो आपको 1 पिंच से ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद का इंग्रेडिएंट हम डालेंगे मसूर दाल पाउडर, नेचुरल फेस वॉश का काम करता है, अगर इसे आप बहुत बारीकी से ग्राइंड करते हो तो ये एक नेचुरल फेस वॉश का काम करता है, अगर आप इसे स्क्रब की तरह यूज़ करना चाहते हो तो हल्का सा दरदरा से इसे ग्राइंड करो, देन इसे अपने फेस पर अप्लाई करो, ये गजब का रिजल्ट देता है, स्किन में एकदम पिंक ग्लो दे देता है, जब आप इसे अप्लाई करते हो हफ्ते में 3 से 4 बार तो आपकी स्किन में एक पिंकी ग्लो आ जाता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड इसके बाद मैं डालूंगी इसमें कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जैसे कैफीन, जो कि हमारी स्किन को टाइटन करने में हेल्प करती है, आपकी स्किन में ग्लो लाती है, अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करो बस अपने फेस पे कॉफ़ी या एलोवेरा यूज़ करो तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। जो हमारी स्किन को रिंकल फ्री रखता है, फाइन लाइंस नहीं आने देता और ग्लोइंग भी रखता है, स्किन के रिंकल्स को रिड्यूस करता है, हमारी फाइन लाइंस आने से रोकता है, जो टाइम से पहले जो एजिंग आ जाती है हमारे फेस पे, हमारे फोरहेड एरिया में, हमारे आई के नीचे, वो सारी चीज़ें को आने से रोकता है, बिकॉज इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए या तो रॉ मिल्क या फिर कर्ड, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कर्ड लो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिल्क लो, जहाँ जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, स्किन के अकॉर्डिंग सब पेस्ट बना लेना है, देन अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है फॉर द 10 मिनट। कोई भी फेस पैक अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपनी स्किन को कर लेना क्लीन, चाहे आप नॉर्मल वाटर से करो, फेस वॉश से करो, बस आपका स्किन एकदम क्लियर होना चाहिए, देन मैं फिंगर की हेल्प से इसे पूरे अच्छे से अप्लाई करूँगी। ये फेस पैक जब आप अप्लाई करोगे तो इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से ड्राई होने देना है, हवा से या फिर फ़ैन के नीचे बैठ के इसे ड्राई नहीं होने देना है, एकदम नेचुरली ये जब आराम से ड्राई हो जाए तभी इसे धोना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसे हल्के हाथों से अच्छे से रब करो, देन इसे धोना है। आप चाहो तो इसे नॉर्मल वाटर से धो या फिर हैंगी को पानी में डुबो के देन उसे टैप करके अच्छे से क्लीन कर सकते हो, ये दोनों अच्छा प्रोसेस है, हमारी स्किन से सारे फेस पैक को आराम से निकाल देता है। आप चाहो तो थोड़ा मोटा भी लेयर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मोटा लेयर अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसे पतली लेयर पहले अच्छे से अप्लाई करो, जब वो हल्का सा ड्राई हो जाए देन उसके ऊपर से और एक लेयर अप्लाई कर लो और उसके बाद उसे नॉर्मली छोड़ दो। सो यहाँ पे मेरा फेस पैक ड्राई हो गया था, मैंने अच्छे से फेस को कर लिया है वॉश एंड फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है, बहुत ही क्लीन। सो गाइस अभी जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया उन सारी इंग्रेडिएंट को आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी स्किन में किसी भी तरह का दाग धब्बा है वो हट जाएगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। एंड अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का पिछली मतलब आपने जब पिंपल पॉप किया है वो दाग स्पॉट रह गए हैं अभी तक हट नहीं रहे तो ये आपका वो भी निकल जाएगा धीरे धीरे, अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली 3 बार लगाते हो अप्लाई करते हो हफ्ते में तो ये बिल्कुल बेटर से बेटर रिजल्ट देगा, आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत
बहुत ही अच्छा बना देगा, लाइक जैसा आपको चाहिए स्किन वैसा ही बना देगा।